नमस्कार जी, मैं हूँ आपका मलकीत। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा, जिन बाइयों को हस्तमैथुन ज़्यादा करने के कारण नाम मर्दी आ चुकी है, बिल्कुल ही लिंग स्टैंड नहीं होता। हस्तमैथुन के कारण या किसी और कारण से नाम मर्दी आई है, ये नुस्खा, ये गोलियाँ उनके लिए हैं, बाइयों के लिए। ये बहुत ही अच्छी गोलियाँ हैं, इनको आप घर पर ही तैयार कर सकते हो। और किसी भी तरह से आई नामर्दी, लिंग का छोटा हो जाना हस्तमैथुन के कारण, ये नुस्खा उन भाइयों के लिए है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको आप 1 से 2 महीना यूज करें और नामर्दी आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और ये वो भाई भी बढ़ सकते हैं जो ताकत के शकीन हैं, शरीर में एनर्जी चाहते हैं और ज़्यादा एज के कारण सेक्स समस्या आ रही है, लिंग पूरा स्टैंड नहीं होता, जो वो भाई लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और आपको ये नुस्खे के साथ साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखना है, जैसे आप गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाहर का खाना, ये सब आपको बंद रखना है। और जो भाई लोग मेडिकल चीज़ें खाते हैं, जैसे बैगरा वगैरह खाते हैं और तंत्रा जेली पाउच खाते हैं, और उसके कारण इंतसार, लिंग कम स्टैंड होना, सेक्स करते वक्त लिंग का नीचे गिर जाना, ये नुस्खा उन भाइयों के लिए है। आप इस नुस्खे के लिए बनाने की विधि और सामान, पहले आप इस 1 ग्राम केसर, 1 ग्राम शुद्ध अफीम, 1 ग्राम रेग माही, जो समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली होती है, वो आपको 1 ग्राम लेनी है। 1 ग्राम आपको सिंगरफ भस्म लेनी है, हिंगुल्स भस्म भी बोलते हैं, सिंगरफ भस्म भी बोल देते हैं, भस्म सिंगरफ भी बोल देते हैं। 1 आपको लेना कुस्ता अकीक या अकीक पिस्ती भी ले सकते हो आप, जॉर्ज मसल, दतूरे के बीज शुद्ध, दतूरे के बीज शुद्ध किए हुए हो वो लेने हैं। अगर शुद्ध नहीं है तो आप शुद्ध करना नहीं जानते तो ये नुस्खा मत बनाना। अकरकरा ईरानी आपको ये भी 1 ग्राम लेना है। पान की जड़ आपको 1 ग्राम लेनी है। जायफल 1 ग्राम लेना है। चांदी वर्क आपको 250 वर्क लेना है, कम से कम 250 वर्क लेना है चांदी वर्क। सोना वर्क आपको बड़े वाले, वैसे तो इसमें पूरे के पूरे 250 वर्क ही डाले जाते हैं, आप 100 भी डाल सकते हो, हो सके आप भस्म डालना चाहते हो, 1 आप भस्म डाल सकते हो या फिर सोने के वर्क डाल सकते हो, कम से कम 100 वर्क जरूरी है इसमें। वैसे तो 250 डालते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप 100 वर्क डाल सकते हो। और आप इसमें ताम्बर भस्म आपको 1 ग्राम डालनी है, ताम्बर भस्म। और खरातीन, जिसको हम केचुए बोल देते हैं, खरातीन आपको वो 1 ग्राम डालने हैं। सभी का पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद पहले आप केसर को ऐसा कोई खर ले लें, आप इस खरल में डालकर आपको प्याज का रस लेना है। अगर आप ये सभी 1-1 ग्राम चीजें लेते हो तो आपको 100 ml प्याज का रस लेना है। पहले आप केसर को प्याज के रस में, केसर डालकर थोड़ा थोड़ा रस डालकर प्याज का उसमें खरल करें। खरल करने के बाद फिर आप रेग माही, अकरकरा, पान की जड़, जायफल, इन खरातीन, इन सबको उसमें खरल करें। थोड़ा थोड़ा 1-1 ml डालते जाएं और खरल करते जाएं, 1-1 ml डालते जाएं और खरल करते जाएं। फिर इसमें शुद्ध फीम डालें और फिर आप इसको 1 घंटा खरल करें। फिर कुस्ता कीक डालें, फिर 1 घंटा खरल करें। सिंगरफ भस्म डालें, फिर 1 घंटा इसको आप
खर्ल करें। इसमें ऐसी ऐसी सभी चीजें डालते, चांदी वर्क आप डाले, तांबा वर्क डाले, फिर आप इसको सभी को खर्ल करते जाएं। जब ये प्याज के रस में खर्ल हो जाए, फिर उसके बाद आपको इसको पान के रस में खर्ल करें। मैं दिखा देता हूँ पान का रस आपको। पान का रस ऐसा होता है, ये पान का रस मैंने निकाला था 100 ml। आप 100 ऐसे करना, 100 पत्ता ले आना पान का, उसमें से ये 150 पत्ता लेकर आया था मैं, 150 पत्ते में से आराम से निकल जाएगा। जे ताजे वाले पत्ते लेने आपको पान के, उसमें से रस निकाल कर फिर आप इसको खर्ल करते जाएं। जब ये सूख जाए, आपको लगे कि ये गोली बनाने के काबिल हो चुका है, तो आप इसकी महान, जो दाल वाले महा होते हैं ना, उसके बराबर की आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। गोलियां बनाकर उस पर आप चांदी वर्क या सोना वर्क ऊपर से लगा सकते हो। एक एक गोली आप इसको सुबह शाम खाएं। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, इतनी अच्छी गोली है, मैं खुद अपने क्लिनिक पर यूज करता हूँ। ये मैंने किसी भाई को भेजनी है, उसका हस्तमैथुन करने के कारण लिंग छोटा हो गया है और बहुत परेशान है बेचारा, उसको भेजनी है। उसने बहुत सारी मेडिसिन खाई, मेरे से बात हुई कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट बेस्ट तो चल रहा है, उसको दे रही है, दे रखी है मेडिसिन, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है और वो उस मेडिसिन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उसको ये मेडिसिन बनाकर दे रहा हूँ। ये मेडिसिन थोड़ी सी महंगी बनती है, ये गोली कम से कम अगर आप बनाओ 4-5-6 हज़ार रुपया मानकर चलो इस पर लगेगा। अगर आप ये एक एक ग्राम भी डालते हो, इससे काफ़ी गोलियां बन जाएगी, कई महीने की बन जाएगी। ये देखो, ये चांदी के वर्क डाले हुए हैं अभी इसमें, सोने के वर्क अभी डालने इसमें बाकी हैं, वो भी डालूंगा मैं इसमें, हो सका तो जा स्वर्ण भस्म भी डालूंगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चांदी के वर्क हैं, इनको खूब खर्ल किया गया है 2-3 दिन, अभी इसकी स्वर्ण वर्क में खर्ल करने की बारी है। इसको आप जब तक सूख जाए, तो आप एक एक गोली सुबह शाम यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। जो बिल्कुल ही नामर्द है वो इससे 100% ठीक हो जाएगा। और किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9882-38200, 9882-38200। और किसी बहन को, किसी माता को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी की जोनी का ढीलापन ज्यादा है, सफेद पानी आता है, माहवारी ज्यादा दिन आती है, अगर कोई मेडिसिन पूछना चाहो तो मेरे को आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9882-38200। और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और बहुत सारे नुस्खे हैं मुझे वो भी बनाने हैं, और साथ ही साथ मैं वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद जी।